भारतीय जनता पार्टी द्वारा देशव्यापी गांधी संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत गुरुवार को मध्य हावड़ा मंडल की ओर से एक पद यात्रा निकाली गई। विभिन्न टेबलों में महात्मा गांधी सहित देश के महान विभूतियों के तस्वीरों के साथ झांकी निकाली गई। गौरतलब है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा देश भर में संकल्प यात्रा का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में मध्य हावड़ा मंडल 33 नंबर वार्ड से एक पद यात्रा निकाली गई, जो पूरे विधानसभा की परिक्रमा कर शाम को हावड़ा कोर्ट के समक्ष एक सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान पदयात्रा में वरिष्ठ नेता सहित महिला एवं युवा कार्यकर्ता भी शामिल थे। भाजपा नेता विश्वनाथ पाठक ने बताया, गांधी जी के विचारों को और अधिक प्रचार करने के उद्देश्य से यह रैली निकाली गई है। गांधी संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी द्वारा आहूत किया गया है, उसी के उपलक्ष्य में निकला। जो गांधी ने देश के लिए त्याग किए हैं और स्वच्छता का जो उन्होंने उपदेश दिया है कि स्वच्छ रखेंगे वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, इत्यादि, और समाज को मुक्त रखेंगे। इसीलिए हम लोग समाज को ये संदेश दे रहे हैं कि यदि जिंदगी चाहिए तो आपको पर्यावरण को बचाना होगा। निकाली गई है ये रैली दोनों जिला मैदान से। हम लोग करीब करीब 12 किलोमीटर चलते हुए आ रहे हैं। कहाँ तक जाएंगे? कहाँ तक? पूरी विधानसभा हम लोग जाएंगे। और ये 5 बजे अंतिम पड़ाव हम लोगों का हमारा कोर्ट के पास ब्रिज के नीचे वहाँ सभा का समापन होगा। कौन कौन शामिल है इसमें? इसमें हमारे सभी दक्षिण हावड़ा के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के सभापति श्री शाह जी, हमारे वार्ड 29 सभी लोग हैं। इसमें हमारे हैं ये सुशंकर साहब जी, सुधीर राम मनोज जी, सुधीर भैया हैं, और ये बद्री नारायण सिंह जी। इन लोगों को कल प्यार किया हुआ है। हमारे जुआ सब है, रिसर्व है, सब इसी सब के प्रयास का ये फल है। कैमरा पर्सन सुबह के साथ राजू शाह की रिपोर्ट, युवा शक्ति, कोलकाता। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।